हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल होम ब्यूटी एंड क्राफ्ट टिप्स। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। और चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं पुरानी बेडशीट का यूज़ करके बहुत ही यूज़फुल चीज़। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट का कटआउट लिया हुआ है, तो इसको हम लेंगे और यहाँ पर हम दो यूज़फुल चीज़ें बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें एक प्लेट लेना है और इससे हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने दो सर्कल शेप में कटिंग कर ली है, ये देखिए। और फिर उसके बाद हमें इसके सेंटर में जो है एक मोटा कोई भी फैब्रिक लगा देना है। या तो आप टॉवल लगा सकते हैं, या तो कोई भी मोटा पैंट का कपड़ा लगा सकते हैं, शर्ट का मोटा कपड़ा लगा सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे मैंने एक मोटा फैब्रिक लिया हुआ है और इसको हम इसके बीच में सेंटर में रखेंगे और इसकी सीधी ही हमें सिलाई करनी है। तो इस तरीके से रखेंगे तो और दोनों सर्कल वाला जो पार्ट है हमारा उसका फ्रंट हम आगे रखेंगे और ऐसे ही हमें सीधा इसकी सिलाई कर देनी है और इसको ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पे मैंने देखिए इस तरीके से जॉइंट कर दिया है। बीच से मैंने दो सिलाई लगा दी है ताकि अच्छे से बैठ जाए। और अब हम इसके बाद यहाँ पे एक फैब्रिक लेंगे जिसकी स्ट्रिप हम कट करेंगे। और यहाँ पे मैंने 2 इंच की फैब्रिक ली है और इस तरीके से हम इसको फोल्ड करके यहाँ पे पाइपिंग लगा देंगे चारों तरफ। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से पाइपिंग लगा दी है और इसके बाद हम इसको हाफ़ करेंगे। तो यहाँ से हम इसको हाफ़ कर लेंगे और हाफ़ करने के बाद हम इसको कट कर देंगे। तो ये जॉइंट करने के बाद हम पाइपिंग लगाने के बाद इसको कट करेंगे, जिससे कि हमें अलग अलग पाइपिंग नहीं लगानी पड़ेगी, एक साथ हम लगा लेंगे। और फिर इसके बाद हम यहाँ से इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और एक साइड से हम इसकी सिलाई लगा देंगे। तो देखिए यहाँ से मैंने सिलाई लगा दी है और इस एक्स्ट्रा कपड़ा अब हम कट कर देंगे। और इस तरीके से ये बन गया हमारा बहुत ही अच्छा सा हैंडल कवर। तो गाइज़, अगर आपकी कढ़ाई गर्म हो या तो फिर आपके हैंडल गर्म हो और आपको कपड़े का यूज़ करना हो तो आप इस तरीके से हैंडल कढ़ाई के हैंडल पर इसको लगा सकते हैं और ईज़िली आप उसको नीचे गैस के उतार सकते हैं। वो ज़्यादा हीट होगा अगर तो आपके हाथ जलेंगे नहीं और सेफ़ रहेंगे। तो इस तरीके से आप इसको सिंपली तरीके से बना कर 2 मिनट में इसको रेडी कर सकते हैं और फिर उसके बाद हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यूज़ करके बता दूं, तो देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से इसमें लगाएं और यहाँ पे हम कढ़ाई को अच्छे से पकड़कर आप अपना काम कर सकती हैं इस पर। तो देखिए ये अच्छे से लगा देगा और इसका कपड़ा ज़्यादा लंबा भी नहीं है कि ये जलेगा और इस तरीके से ये सेफ़ है बिल्कुल। तो इस तरीके से आप इसको बना सकती हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है वीडियो, तो वो हम बनाने वाले हैं पुरानी बेडशीट के यूज़ से ही। और यहाँ पर हम इसको बनाकर रेडी कर लेंगे और फिर इसके बाद हम एक और बेडशीट का कट पीस लेंगे और यहाँ पे हम इसको कट करेंगे। तो यहाँ से मैंने नीचे से इसको चौड़ा रखा हुआ है और ऊपर से मैंने इसको पतला कर दिया है। और अब हम दोनों तरफ के साइड को जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ से हम नीचे से इसको बराबर कर लेंगे और उसके बाद हम ऊपर से यहाँ से इस तरीके से इसमें चुन डाल देंगे और फिर साइड से हम इसको स्टिच कर लेंगे और नीचे से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। आप चाहे तो जॉइंट कर सकते हैं या तो फिर नीचे से आप इसको ओपन रख सकते हैं। और यहाँ से हम इसको इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ से हम इसकी सिलाई कर देंगे अच्छे से। देखिए ये मैंने साइड से और नीचे से इसकी सिलाई कर दी है और इसके बाद हमें ऊपर से भी इसको लेना है और यहाँ से हम इसमें भी प्लेट्स लगाएंगे और इस तरीके से हम इसकी भी सिलाई कर देंगे। तो देखिए ये बनकर रेडी हो गया है और इसके बाद हम यहाँ पे दूसरा फैब्रिक यूज़ करेंगे और इसके बाद हम इस तरीके से यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे। तो हमें इस साइज़ का दूसरा फैब्रिक यूज़ करना है और इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। थोड़ा सा हम इसका कपड़ा कट करना है। तो यहाँ से हम इसको डबल करके कट करेंगे। और इसके बाद हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे।
फोल्ड करने के बाद हम सिंपली यहाँ पे इसको स्टिच कर देंगे। तो यहाँ से हम इसको लगाएंगे और इसके बाद सिंपली हम यहाँ से इसको फोल्ड कर देंगे और यहाँ से हम इसकी स्टिचिंग लगा देंगे। तो देखिए ये बन गया है। और स्टिचिंग लगाने के बाद मैंने यहाँ पे एक लेस ली हुई है, आप चाहे तो कपड़ा भी ले सकते हैं डबल करके। और इस तरीके से स्ट्रिप बनाकर हम यहाँ से सुई धागे से इसको इस तरीके से लगाएंगे, जिससे कि ये फ्लावर बनकर रेडी होगा। तो इस तरीके से हम सुई को इसमें इस तरीके से सिलाई लगाते जाएंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे अच्छे से दोनों को हम सेट कर लेंगे, दोनों कॉर्नर्स को। और फिर उसके बाद हम यहाँ से धागे को खींच लेंगे, जिससे कि ये फ्लावर बनकर हमारा रेडी हो जाएगा। तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। और यहाँ से हम धागे को खींचेंगे। ये देखिए यहाँ से हम धागे को अच्छे से खींच लेंगे और फिर उसके बाद पीछे से हम दोनों कॉर्नर्स को जॉइंट कर देंगे। यहाँ से हम दोनों कॉर्नर्स को जॉइंट करेंगे। और इसके बाद हम ये फ्लावर यहाँ पे लगा देंगे। ये फ्लावर बनकर रेडी हो गया है, जिसको हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे। तो इसको अब हम अच्छे से स्टिचिंग कर देते हैं यहाँ पे सुई धागे से ही। तो देखिए ये अच्छे से स्टिच हो गया है। और इसके बाद हम यहाँ से इसको कट कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें एक लूप लगा देंगे। तो यहाँ पे हम छोटी सी पाइपिंग यहाँ पे लगाएंगे और इस तरीके से बनाकर हम इसमें लूप लगा देंगे। तो गाइज ये हमारा हैंगिंग टॉवल हैंगिंग बनकर रेडी हो गया है। आप इसको किचन में, वॉशरूम में, कहीं भी हैंग कर सकते हैं और इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ आई होप कि आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो 1 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।